हाई व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुदस्सिर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू यूज़ फोन मास्टर इन योर मोबाइल। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है फोन मास्टर के नाम से, और आपको लगता है कि ये कोई बेजर सी एप्लीकेशन है, ये बस ऐसी मोबाइल में पड़ी रहती है, आप इसको डिसेबल कर देते हो, बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की एप्लीकेशन है। जी हाँ, इससे आप काफ़ी काम ले सकते हो और काफ़ी आपके मोबाइल को ये बचा सकती है, सेव कर सकती है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलें दोस्तों एप्लीकेशन कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन आ चुकी है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्होंने ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्लीन अप स्टोरेज। ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास, क्लीन अप स्टोरेज। यहाँ पर जाकर आप अपनी स्टोरेज क्लीन अप कर सकते हो, ठीक है, एंड कोई चीज़ डिलीट वगैरह करनी है या कुछ भी, यहाँ से आप एक ऑटोमेटिकली उसको डिलीट वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है प्राइवेसी परमिशन। बाज़ एप्लीकेशन होती हैं जो आपसे प्राइवेसी परमिशन ले लेती हैं, बाज़ ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो आप उनको देख सकते हो यहाँ से ऐप परमिशन, यहाँ पर जाकर सेट कर सकते हो। यानी आप यहाँ से ऐप परमिशन स्टार्ट करते हो तो आपको ये बताता है कि मॉनिटरिंग 44 एप्लीकेशन है जिनको आपने परमिशन दी हुई है, जिनमें फ़ोन है, कॉल लॉग्स हैं, कॉन्टैक्ट्स है, SMS है, लोकेशन और बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये तो चलो एप्लीकेशन फ़ोन की अपनी है, जो बाकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शोर होती है। यहाँ से अगर आप इनको ब्लॉक वगैरह करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैंने इनको नहीं किया या जो भी, तो यहाँ से आप इसको बाद में ब्लॉक कर सकते हो। ऊपर सेटिंग में जाकर मज़ीद इनकी सेटिंग कर सकते हो, परमिशन रिकमेंडेशन ऑन कर सकते हो, यानी कि ये एप्लीकेशन हमसे परमिशन रिकमेंडेशन मांगी, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टार्टअप मैनेजर। यहाँ पर अलाउड टू एप्लीकेशन है, मेल एंड व्हाट्सएप बिजनेसेस, ठीक है। टर्निंग ऑन द सेटिंग्स बिलो विल इंश्योर दैट यू कैन कंटिन्यू रिसीविंग मैसेजेस नॉर्मली। इन दो एप्लीकेशन से आप नॉर्मली मतलब कर सकते हो, बाकी आप जो है एप्लीकेशन से वो आप उनमें जाओगे तभी आप उनको जो भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं उन पर। यहाँ से अगर आप करना चाहते हो इनको इनेबल कर सकते हो, ठीक है, मैं अभी नहीं करना चाह रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले ओवर अदर एप्लीकेशन, तो यहाँ कुछ एप्लीकेशन जो डिस्प्ले हो रही हैं अदर एप्लीकेशन पर, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे मतलब आप उनको यूज़ यहाँ से कर सकते हो। यूट्यूब म्यूज़िक है, फोटोज़ हैं और एप्लीकेशन है, ठीक है, वन ऐप अलाउड। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड वन पर चलते हैं विच इज़ वायरस स्कैन, और ये काफ़ी काम का है। इसको जब आप एक्टिवेट करते हो तो आपके मोबाइल से ये ऑटोमेटिक जो वायरस वगैरह है, जो भी ट्रैश वगैरह जब है उसको ये क्लीन अप करता है, ठीक है। और ये मोबाइल की अपनी एप्लीकेशन है, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर, ये खुद कर रहा है इसको आइडेंटिफाई एंड उसके बाद ये डाउनलोड डिलीट भी इसको कर देगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कितनी सीरियसनेस है, यानी अभी तक 4200 समथिंग कुछ हो चुके हैं और अभी भी ये कंटिन्यू है। आप ऊपर टाइम देख सकते हो कितनी देर से मैंने लगाए हुए इसको, तो मैंने काफ़ी अर्से के बाद इसको यूज़ किया, तो आप देख सकते हो कितना मतलब ये वायरस बीच में से स्कैन कर रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, आपको ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए। अब मैं मज़ीद वीडियो स्टार्ट करूँगा इसके 100 होने के बाद, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस फाइनली 81% पर ये ख़त्म हो चुकी है, एंड मैंने नेक्स्ट हम आते हैं अपने पेमेंट प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप अपनी गूगल पेमेंट्स वगैरह, जोम बिलिंग वगैरह सबको सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, जैस कैश ETC सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हो। ऐप मैनेजमेंट में जाकर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है, मैनेज करना है आपको, वो आप कर सकते हो। सारी ऐप की डे वन बाई वन यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप एक एप्लीकेशन को खोलो एंड फिर उसकी करो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्विक चेक, इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मोबाइल को और क्या हिसाब किताब है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर, रैम 4 GB, स्टोरेज 6.43 GB अवेलेबल, 64 GB टोटल। तो स्टार्ट चेक पर आप प्रेस करोगे तो ये मेमोरी सिम सारी चीज़ें अगर आपने चेक करनी है तो सारी चीज़ें, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है चेक वाला ऑप्शन, इसको आप जैसे इनेबल करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी मेमोरी सिम डज सिम वन हैव एनी सिग्नल, यस सिम आइडेंटिफिकेशन, टू पिक्चर्स, एंड यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो। चेकिंग फिंगरप्रिंट सेंसर, तो फॉलो द वन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉर चेक, यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप स्किप भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो यहाँ से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। चेकिंग लाइट सेंसर स्किप, एंड यहाँ से डन, प्लेस द फोन, एरर, ग्रेविटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर थोड़ा सा, ग्रॉसरी स्कोप वगैरह, बाकी ऑल थिंग इज़ ओके है, ठीक है। यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल इसको स्किप कर देता हूँ। आप यही सेटिंग कर सकते हो, इन्हीं सेटिंग्स को सेट चेक करके अपने मोबाइल की सारी सेटिंग्स देख सकते हो। उम्मीद है एप्लीकेशन पसंद ही होगी, फ़ोन मास्टर नाम से एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में ज़रूर होगी।
ठीक है, आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यूज़ करना है एंड अपने मोबाइल को सेव करना है एंड काफ़ी फीचर्स इसमें इनेबल करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।